नमस्कार दोस्तों पिक्के मिस्त्री व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम खेतों के अंदर काम करने लग रहे हैं और ये देखो भाई आपको नक्शा दिखा देता हूँ सबसे पहले तो क्या बनाया है खेतों के अंदर पंद्रह बाई सोलह का एक रूम है बारह बाई सोलह का ये बरामदा है और साइड में इसके पैडी चढ़ेगी ये देखो यहाँ पे पैड़ी बनेगी भाई और बना दिया बाथरूम बाथरूम का साइज है सात बाई पाँच का जो कि यहाँ पैड़ी चढ़ेंगी गाटर पत्थर की और गाटर पत्थर का ही मकान बनाएंगे दोस्तों ये वो लोग गाटर पत्थर के लिए हम बना रहे हैं गाटर पत्थर की छत लगाएगी इसके ऊपर सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखो सबसे पहले हमने इसकी नीम की खुदवाई करी सिर्फ दो रद्दे की क्योंकि ज़मीन बहुत मजबूत है यहाँ की पानी भरा होता जीरी की खेती होती है जहाँ पे जीरी की खेती होती है नहीं वहाँ ऐटोमेटिक ज़मीन ठोस हो जाती है पानी पी पी के कई सालों से है ये ये दसेगी नहीं हमने ना कोई कॉलम लिया इसके अंदर सिर्फ हमने दो रद्दे लगा दिए अठारह इंची के उसके बाद छः रद्दे लगा दिए चौदह इंच के उसके बाद दो रद्दे लगा दिए नौ इंची के जो कि लेवल कर दिया लेवल करने के बाद लगा दिए दोस्तों हमने सात बाई सात का बीम बंधवा के इसकी नो बाई नो की बढ़ाई करेंगे देखो ये बढ़ाई कर दी साथ की साथ और सेटरिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ये भाई एक बार सेटरिंग करने का तरीका दिखाते हूँ भाई का ये सबसे पहले हमने इसके नीचे कवर ब्लॉक लगाए दोस्तों क्रो कवर कर ब्लॉक लगाने के बाद ये देखो भाई ये भाई मिस्त्री लगे हुआ तार बांध देगा नीचे बड़े शरीर में भाई कई भाई क्या करते हैं इसके नीचे सरिया फंसा लेते हैं और उसके ऊपर फट्टा रखते हैं वो सरिया निकलता नहीं दिक्कत हो जाती है मिस्त्री हरकत कर जाता है भाई निकालने में समस्या हो जाती है लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हम सबसे पहले इसके तीन ये गिट्टी रख ली ये यानी दो आठ फुट की चार फुट की प्लेट है तो दो तार बांध लेते हैं अगर दस फुट का फट्टा है तो तीन तार बांध लेते हैं साइड में ताकि ये फैले ना वायोरेट लगते इसमें ये देखो भाई ये चार फुट की प्लेट है तो इस भाई ने ये रख ली ये रखने के बाद साइड में कवर ब्लॉक लगा दिया ताकि ये सरिए को टच ना करे और उसके बाद में ये घुमा के इस प्रकार बड़े सरिए रहने चाहिए बेंडिंग वायर के ये यहाँ पे उल्टा ही बांध दिया इसके ऊपर ले आके टाइट करके बिल्कुल ये देखो इस प्रकार से दोस्तों हम ये करते हैं और दोस्तों मैं इसका आपको ख़र्चा ही बताऊँगा भाई बीम का खर्चा कितना आता है दोस्तों इसके अंदर दस फुट के अंदर एक छड़ लग जाती है पूरी सीरी की जिस का यानी बारह एम के बारह किलो सरिया लग गया हमारा और एक चिमट का कट्टा लगेगा दस फुट के अंदर नौ बाई नौ की बराई में और छह तसले हमारे क्रेसर के लगेंगे नौ तसले लगेंगे बजरी के तो इसके हिसाब से नौ और छः पंद्रह पंद्रह यानी सात फुट मार लग गया तो एवरेज निकाल लो आप सात फुट की कितनी होती है कितने रुपए का आता है फुट ये चालीस रुपए फुट लगभग आप ये मान लेते हैं किराए समेत दो सौ अस्सी रुपये का बजरी क्रैसर और सरिया क्या रेट रहेगा सरिया सत्तर रुपये लगा लेते हैं बारह सत्ता चौरासी आठ सौ चालीस का ये हो गया आप कैलकुलेट कर लिए दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया है और इसका लेबर चार्ज रहेगा अस्सी रुपये रनिंग फुट आठ सौ रुपये इसका लेबर चार्ज होगा दस फिट का बताया मैंने आपको और इसके अंदर रोडी क्रेशर सीमेंट सीमेंट की एक कट्टा की मात्रा होगी भाई तीन सौ सत्तर रुपये का सीमेंट का कट्टा हो गया ये आप जोड़ मार के देख लियो भाई कितना खर्चा आ गया कुछ तो यानी हम प्लेंथ भी लगा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा और ये रिंग का भी भाई कम से कम नो मान लो दस फुट के अंदर एक छड़ लग जाती है रिंग की भी पाँच किलो सीरिया वो भी लग जाता है तो देखो भाई जो गाड़ी सेटरिंग कैसे कर रहा है मिस्त्री फट्टी प्लेट कमरा की थी तो इन्होंने क्या किया ईटे का सरिया बांध दिया ईट्टे का तार बांध दिया ये देखो भाई और कुछ देर के बाद हटाया जाता है ये दोस्तों सेटरिंग खत्म होगी चलो सैटरिंग ब्राई होगी दो कट्टई ब्राई होने के बाद फिर दो कट्टई फिर ब्राई कर देंगे तो सेटरिंग कम है ये देखो भाई ये सेटरिंग कर रखी और ये ब्राई करके छोट रखी है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ राम राम दोस्तों वीडियो ने शेयर करियो जितना भी आपको उसके टाइम कम निकलता दोस्तों ये भी टाइम इतना जब भी मिल गया कि मसाला बना रहे थे लेबर वाले तो राम राम दोस्तों